हेलो गाइस, मैं वंश और आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, आप इस गाड़ी को देखो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये एक ईवी है या फिर एक पेट्रोल व्हीकल है? अगर आप इस गाड़ी को देखोगे तो भाई साहब, ये है नई वाली टॉर्क मोटर्स की क्रेटोस आर, ये एक ईवी है। सबसे पहले मैं इस गाड़ी को देखा था भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब, ये गाड़ी सच में बहुत ही ज़्यादा सही आपको देखने मिल जाती है। फाइबर की बिल्ड हो गई, डिजाइनिंग एलिमेंट्स हो गए, वो सब काफ़ी स्पोर्टी टाइप के देखने मिल जाते हैं इस गाड़ी में। आपको एलॉय व्हील काफ़ी पसंद आएगा, फीचर इस गाड़ी में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और इस गाड़ी को मैंने चला करके देखा, इस गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ भाई, इस गाड़ी में आपको चेन ड्राइव सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि आजकल बेल्ट सिस्टम मिलता है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी इस गाड़ी का प्राइस जो है 1,67,000 रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्ट जाता है। इस गाड़ी में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, लाइक इको में 120 की रेंज देती है, सिटी में 100 की देती है, और स्पोर्ट्स मोड पे 80 किलोमीटर की रेंज देती है। इस गाड़ी की 105 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। बाकी इस गाड़ी को आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने में लग जाती है। बाकी इस गाड़ी में आपको 4 किलोवाट आर की बैटरी मिल जाती है, जो कि भाई पीक पावर जो है 9000 वॉट का, और भाई पीक टॉर्क जो है भाई 38 न्यूटन मीटर का देती है, जो कि भाई सच में बहुत ही ज़्यादा पावर फिगर तो सच में अच्छा है। बाकी इसको मैंने चला करके देखा तो सबसे पहली चीज़ मेरे को लगी ना, इसका मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बोलूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ भाई, इस गाड़ी का पावर बहुत लीनियर उठता है, मतलब एकदम झटका नहीं देती है गाड़ी, काफ़ी स्मूथली चलती है। उसके साथ इसका पावर फिगर भी काफ़ी अच्छा। बाकी अपन फ्रंट में जाते हैं, फ्रंट में इसका हेड वगैरह कुछ आपको ऐसा देखने मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर टर्न सिग्नल वगैरह पूरे LED वाले मिल जाते हैं। फ्रंट में आप हेडलाइट सेटअप देखोगे तो पूरा आपको LED वाला मिल जाएगा। बाकी आप देखोगे तो ये जो व्हाइट कलर है, ये इनोसेंट व्हाइट कलर के नाम से आता है, इसमें स्टिकर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने मिल जाते हैं। और ये जो गाड़ी है ना, ये हॉर्नेट से भी ज़्यादा बल्कि देखने में लगती है, ये चीज़ मेरे को फील हुई। बाकी गाड़ी जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगी, एकदम ऐसे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक टाइप की आपको देखने मिल जाती है। इसमें देखोगे मडगार्ड वगैरह जो है पूरे वाइट कलर के ही हैं, और इसमें सस्पेंशन वगैरह की भी अच्छी क्वालिटी है। इसमें जो मेटल और फाइबर की क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी इसमें मडगार्ड्स वगैरह जो है एकदम सिंपल से हैं, लेकिन देखने में काफ़ी सही लगता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे, इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है, हालांकि गाड़ी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें मिलता है, इसमें ABS वगैरह नहीं मिलता है। इसमें अगर मैं बताता हूँ, फ्रंट में आपको 90x80x17 सेक्शन का टायर मिल जाता है। एलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा, इसके फाइबर की मेटल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसमें ग्रिपिंग वगैरह भी टायर अच्छी है, मतलब 90 सेक्शन का फ्रंट में, और रियर में जो है 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है। बाकी आप देखोगे जो इंजन वाला सेक्शन रहता है ना, ये थोड़ा सा आपको भले नीचे लगेगा, लेकिन इस गाड़ी में जो है 165 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है एक तरीके से। मीटर कंसोल पे अपन आ जाते हैं, मीटर कंसोल अगर आप देखोगे आपको पूरा फुल डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल देखने मिल जाता है। बाकी की इसमें मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। फिजिकल की है, ये नहीं कि बटन से सीधा चालू करना बंद करना, वो सब कुछ भी नहीं है भाई, आप चाबी लगाओ गाड़ी चालू हो जाएगी। हालांकि इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या बोलते हैं, बैटरी क्या बोलते हैं, कितनी अभी गाड़ी चलने वाली, रेंज हो गया, ओडोमीटर हो गया, इसमें हेलमेट का इंडिकेशन आ जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेशन आ जाता है, अभी कितनी बैटरी बची है, टाइम वगैरह बता देती है। बाकी इस गाड़ी में आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आप जो है नेविगेशन देख सकते हो, व्हीकल लोकेशन देख सकते हो, एंटी थेफ्ट वाले फीचर देखने मिल जाते हैं। मतलब गाड़ी ऐसे खड़ी है, आपने गाड़ी लॉक कर दी, कोई आएगा छुएगा तो भाई अपने आप गाड़ी लॉक हो जाती, टायर लॉक हो जाते हैं। जियो फेंसिंग मिल जाएगी, क्लॉक मिल जाएगी, वॉक असिस्ट मिल जाता है, इसमें क्या बोलते हैं आपको क्रैश अलर्ट हो गया, राइड डिटेल देख सकते हो, वैकेशन मोड वगैरह इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो फीचर वगैरह जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद नहीं, काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बाकी इसमें बटन्स वगैरह मिल जाती है राइट साइड में, जिससे जो है आपको मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। इसमें 3 जैसे मोड वगैरह आ जाते हैं, रिवर्स मोड वगैरह भी आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बाकी एक चीज़ है, इसमें क्या बोलते हैं आपको चार्ज वगैरह करनी रहेगी, तो ये टैंक के पास के जो है आपको यहाँ पर चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे नॉर्मल चार्जिंग करने में, बाकी फास्ट चार्ज करोगे तो भाई 80% हो जाएगी भाई 1 घंटे में, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसमें आप पोर्टेबल वाला भी लगवा सकते हो, घर में भी लगवा सकते हो। बाकी फास्ट चार्जर जो है, अगर आपके सिटी बेस का फास्ट चार्जर है तो भाई आप गाड़ी लोगे तो 2 साल तक जो है आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको छोटी सी बूट स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है USB चार्जर भी मिल जाता है, और फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज करना चाहो या फिर छोटा मोटा कुछ सामान रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। बाकी जो है ये चीज़ काफ़ी मेरे को सही लगी, मतलब टैंक का डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा है, उसके साथ इसमें स्पेस वगैरह भी मिल जाती है, जो कि मतलब एक प्रैक्टिकल एक तरीके से, मतलब आप सामान वगैरह रख लो, फ़ोन रख लो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं गाड़ी के भी हैं, या फिर आपके पास कुछ भी सामान वगैरह वो सब भी रख सकते हो। बाकी टैंक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी में, जो है आपको क्या बोलते हैं एरोडायनामिक्स वगैरह काफ़ी बेटर मिलेंगे। जैसे मैं बैठ करके चला करके देखा, बिल्कुल भी इसके एर्गोनॉमिक्स वगैरह मेरे को बेकार नहीं लगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पावर फिगर वगैरह जो है काफ़ी स्मूथ है, टॉर्क का लोगो लगा हुआ मिल जाता है, क्रेटोस यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर क्रोम फिनिश में लिखा हुआ मिल जाता है, आर जो है रेड कलर से लिखा हुआ मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें स्टिकर्स वगैरह जो है फ्रंट से लेकर रियर तक बने हुए, और इसमें पैनल गैप्स वगैरह बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा पैनल गैप्स नहीं है, फिट एंड फिनिश अच्छी है इस गाड़ी की। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ में लगी बैटरी पैक, जो भाई बैटरी पैक है ना, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से रखा हुआ है, और इसमें जो है इंजन का डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि भाई एयर कूलिंग में भी मदद करता है, उसके साथ में जो है
देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस गाड़ी की बैटरी वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब 4 kWh की बैटरी है भाई। 38 Nm का आपको जो है पीक टॉर्क मिलता है, पावर जो है भाई 9000 W की मिलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसमें जो केसिंग वगैरह है बैटरी की भाई IP67 रेटेड आपको मिल जाती है, पूरा ओपन चेन सिस्टम मिल जाता है, चेन ड्राइव है गाड़ी, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बाकी इसमें मेटल की फाइबर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसमें लेडी फोटर्स वगैरह देखने मिल जाता है। यहाँ पर इसकी मोटर वगैरह है थोड़े से राउंड एक्सेल टाइप की है। बाकी इसमें रियर में मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है, इसमें मड फ्लैप वगैरह जो लगे हुए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी आप देखोगे तो भाई काफ़ी ऐसे आपको समझ में ही आ रहा होगा काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं। मतलब ये गाड़ी लेते हो तो आपको 3 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, और अगर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहो तो वो भी आप करवा सकते हो थोड़ी नॉमिनल चार्जेस वगैरह दे करके। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती, सिंगल नहीं मिलती, थोड़ी गाड़ी ज़्यादा जैसे स्पोर्टी टाइप की लगती है। बाकी रियर में ग्रैब रेल आपको स्प्लिट वाले मिल जाते हैं, टेल लाइट का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। मडगार्ड वगैरह आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंडेड है, तो ज़्यादा ऐसे स्पोर्टी वाला आपको फील मिलेगा। और ये गाड़ी जो है मतलब ऐसे नॉर्मल कम्यूटर टाइप नहीं लगती, देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। और इसमें आप जैसे चलाओगे ना तो आपको जो है सिटिंग पॉस्चर सच में अच्छा मिलेगा, ऐसे एकदम एग्रेसिव वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा सिटिंग पॉस्चर मिल जाता है। रियर वाले टायर से लेकर के पीछे वाले मतलब जो सीट है पिलियन जहाँ बैठता है उसका गैप अच्छा खासा बना रखा, तो ये देखने में ना काफ़ी ऐसे एकदम रोड रैली टाइप की लगती है गाड़ी। बाकी रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, रियर में डिस्क मिल जाता है, और इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लगती है। इस गाड़ी का हेडलाइट वगैरह काफ़ी अच्छा है, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। बाकी इसके बटन का फील फिनिश मेरे को अच्छा लगा। इस गाड़ी में जो है आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिल जाएगा। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जैसे आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी एकदम ऐसे लीनियर उड़ती है, ऐसे झटका नहीं देती है। और मेन चीज़ जैसे आज की प्रॉब्लम है भाई ओला में क्या रहता है भाई, या फिर और दूसरी आप गाड़ियाँ देखो जितनी वीवीज आ रही हैं, थोड़ा सा उस पर ब्रेक पे हाथ रखोगे भाई गाड़ी की पावर कट हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, ब्रेक दबा करके आप गाड़ी चला सकते हो, जो कि भाई आज के टाइम पे नॉर्मल अपने पेट्रोल व्हीकल चलते जैसे उसी टाइप की आपको फील लेगी, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। पावर फिगर इसका अच्छा है, मीटर विजिबिलिटी बढ़िया है, सिटिंग पॉस्चर इस गाड़ी का अच्छा है। इसमें क्या बोलते हैं आपको फुटरेस्ट वगैरह भी देखने मिल जाता है, लेडी फुटरेस्ट भी मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी देखने वेखने में काफ़ी बढ़िया लगती गाड़ी, रिवर्स मोड मिल जाता है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाती है, IP67 जो है बैटरी की केसिंग मिल जाती है उस रेटिंग के साथ में। इसका पावर फिगर बढ़िया है, चार्जिंग टाइम ठीक ठाक ही है। बाकी इसकी हेडलाइट वगैरह चालू हो चुकी है तो आप इसको देख सकते हो। बाकी इसके और भी कलर खड़े हुए हैं और भी देख सकते हो, लेकिन मेरे को व्हाइट कलर थोड़ी सी दूसरे कलर से ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि अलग से हाईलाइट होता रहता है। टेल लाइट का डिज़ाइन भी आप देख लो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी कैसे लगी आपको गाड़ी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से भाई अगर जैसे इसकी एक्सशोरूम प्राइस जो है 1,67,000 है, तो आपको 1,80,000 to 1,90,000 ऑन रोड मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से इतने में भाई साहब एक स्पोर्ट्स टाइप की आपको बाइक मिल रही है जो कि सच में स्पोर्ट जैसी चलती है, दिखती है, उसमें पावर फिगर भी वैसा ही है, और उसमें आपको जो है पेट्रोल की सेविंग भी हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस गाड़ी को अगर आप लेने का प्लान करो तो एजेंसी की डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दिया, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो, बात कर सकते हो जो एजेंसी जबलपुर में नहीं। बाकी टेस्ट राइड वगैरह लो फिर सेलेक्ट करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसके मैं आपको दूसरे कलर वगैरह भी दिखा देता हूँ। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।